तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 में हमसे क्या पूछा गया है। ए रेडियो स्टेशन ट्रांसमिट्स वेव्स ऑफ वेवलेंथ 200 मीटर इफ द स्पीड ऑफ द वेव्स इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडियो स्टेशन। तो जो यहाँ पे रेडियो स्टेशन है जो यहाँ पे वेव्स ट्रांसमिट करता है उसकी वेवलेंथ यहाँ पे कितनी गिवन है, 200 मीटर गिवन है, और जो यहाँ पे स्पीड है वेव्स की वो यहाँ पे कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो हमें यहाँ पे क्या बतानी है, फ्रिक्वेंसी बतानी है रेडियो स्टेशन की। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। हमें यहाँ पे क्या बताना है, फ्रिक्वेंसी बताना है। हमें यहाँ पे वेवलेंथ रखी जिसको हम यहाँ पे लैम्डा से डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ पे कितना है 200 मीटर है। और उसके बाद हमें यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव्स गिवन है, इसको मैं यहाँ पे वी से डिनोट करूँगा। ये हमारे यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड गिवन है। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता है, जो हमारे यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ होता है। इससे हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे। फ्रिक्वेंसी इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, स्पीड अपॉन वेवलेंथ हो जाएगा। स्पीड हमें यहाँ पे कितनी गिवन थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड गिवन थी, और वेवलेंथ हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 200 मीटर गिवन है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे 20 ऐड करता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं 300 लिखता हूँ, तो जो यहाँ पे 10⁻ है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, 300 × 10⁻ यहाँ पे क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो फ्रिक्वेंसी हमारी यहाँ पे कितनी निकल के आ गई, 1.5 × 10⁶ हर्ट्ज निकल के आ गई। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।